अब प्रयागराज में भी 3 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में खाना खाइए। आपने देश के कई शहरों में सस्ती थाली मिलने की बात सुनी होगी, जहां करीब 5 रुपये या 10 रुपये का खाना खा सकते हैं। अब अपने शहर प्रयागराज में भी ये सुविधा मिलने जा रही है। शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नगर निगम में हर शहर में एक अन्नपूर्णा भोजनालय होना चाहिए। इसके तहत 10 से 15 रुपये की थाली और 3 से 5 रुपये का नाश्ता दिया जाएगा। कोई भी गरीब हो या मिडिल क्लास के व्यक्ति पौष्टिक खाना खा सकेगा। नगर निगम इसके तहत व्यवस्था कर रहा है। अब शहर के लोग और बाहरी लोग भी भरपेट खाना खा सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हर नगर निगम में, हर शहर में कम से कम एक तो होनी चाहिए अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से जो दी जा रही है। इसमें है कि ये 15 से लेकर 10 रुपये तक थाली देना है लोगों को खाना, और 3 रुपये से 5 रुपये तक का नाश्ता। तो वो हमारे यहाँ नगर निगम में भी हम लोग कर रहे हैं, अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से है ये। और लोगों को कोई भी हो, गरीब व्यक्ति हो या मिडिल क्लास हो, और अच्छा से बेहतर खाना देना, पौष्टिक खाना देना, और रोज़ मील में कम से कम बदलाव लाना, तो ये करके हम लोग खाना की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें नगर निगम अपनी पहली पहल कर रहा है, तो ये नगर निगम से बनवा रहे हैं, जिसमें हर कोई आने जाने वाला, निगम का ही नहीं बाहरी लोग भी जितना इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं और इसमें भरपेट भोजन कर सकते हैं। मेयर ने बताया कि इस योजना का मकसद रिक्शा चालकों, गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए सस्ते से सस्ता भोजन मुहैया कराना है, क्योंकि महंगे होटलों और ढाबों पर भी खाना नहीं खा सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ हर रोज का मेनू अलग अलग होगा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये सरकार की अपनी योजना है, जिससे शहर में कोई भी गरीब भूखा ना रह सके। उम्मीद है इससे लोगों को काफ़ी लाभ होगा। इसमें ये उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, रिक्शा चालक, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, और वो अगर 10 रुपये में, 15 रुपये में भरपेट कहीं बैठ के खाना खा सकें, तो इससे बेहतर काम कुछ नहीं है। तो ये सरकार की अपनी योजना है, जिसका हम लोग अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं जिसको चलाने की, और चला के लोगों का खाना देने की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आदमी जो रहता है कि वो भूखा है, तो बहुत बड़ा दुख का काम है कि इतने बड़े शहर में आदमी भूखे पेट सो रहा है, कहीं ना कहीं उसको महंगा भोजन मिल रहा है। तो एक सस्ते रूप में भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, और वो कर सके, भरपेट खाना खा सके, यही एक योजना का है जो राज्य सरकार चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं।